जाने माने संत मुरारी बाबू 5 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक गोरखपुर में रामकथा सुनाएंगे। शहर के तारामंडल क्षेत्र में चंपा देवी पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन गोरखनाथ मंदिर व रामकथा प्रेम यज्ञ समिति द्वारा किया जा रहा है। रामकथा का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 अक्टूबर को करेंगे। इस आयोजन को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी तैयारियों में लगा हुआ है। भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, तीन चार दिन इसको हम शोकेस की तरह करेंगे। मैंने आपका मैंने किसी तरह से आइडिया दिया था कि इसको हमारे पास बहुत एक्सेप्ट भगवान ना करे ऐसा कुछ जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता ही है ये त्योहारों का भी सीजन है, दशहरा है, नवमी है और लोग उत्सव के मूड में हैं और ये बहुत बड़ा अवसर है कि इस तरह के संत यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इतना बड़ा समागम होने जा रहा है, उनकी कथा होने जा रही है। इसमें उम्मीद है कि हज़ारों की संख्या में लोग और देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं, तो इस पे गोरखपुर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। सभी तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो उसमें लागू की जा रही है। एंट्री एग्ज़िट, फायर सिक्योरिटी, सेफ्टी और क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ। शादी वर्दी में जवान, चाहे DFMD की बात हो, चाहे PAC की बात हो, हर तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी जाएगी और इसको एक सक्सेसफुल प्रोग्राम की तरह यहाँ पर आयोजित कराया जाएगा। जी बिल्कुल, जो भी आवश्यकता होगी उस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी।